गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोगों ने लेट इवनिंग सेशन रखा था, तो उस इवनिंग सेशन के दौरान अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर। तो बस सभी लोग जो भी नोटिफिकेशन मिल रहा है जिन्हें, वो लाइव आ जाइए, और जो नहीं आ पा रहे हैं लाइव कोई बात नहीं, आप लेक्चर को बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है ना। तो लेक्चर तो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ही इसके थ्रू। तो चलिए बच्चों, बस मुझे थोड़ा सा ओके अगर आप देते हैं तो आई विल स्टार्ट विथ फुल फेस। आज भी हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल। ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ही आता है बच्चों ये टॉपिक। तो बच्चों, एवरीथिंग इज ओके, माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। क्लियर है ना, सबको साउंड सुनाई दे रहा है? कैन आई स्टार्ट? बच्चों आई एम वेटिंग फॉर योर ओके सिग्नल। आप ओके करें तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव भी इसी के साथ देख लेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम लोगों को यहाँ पे करने हैं। यस सर, ओके। सो वेलकम बच्चों, आई एम राहुल कोठियाल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैंने आपको बोला है ज्योमेट्रिकल फिगर्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कल हमने देखा किस तरह के इजी क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। तो आज भी इसी का एक टॉपिक बच्चों आता है हमारे पास, कॉनिक सेक्शंस एक टॉपिक आता है और एक सर्कल टॉपिक आता है। तो बच्चों सर्कल और कॉनिक सेक्शन टॉपिक को पहले मैं फर्स्ट हाफ एन आवर में हम आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम आरआरबी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस इस सेक्शंस में से ऑलरेडी आ चुके हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल, सर्कल बच्चों बेसिकली सबको क्लियर है कि हिंदी में इसे वृत्त बोलेंगे, ठीक है ना, हिंदी में इसे वृत्त बोलेंगे। तो इस सर्कल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, इस सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज ओके सर, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करें तो यहां पे सबसे पहली चीज आती है बच्चों सर्कल में पढ़ने के लिए, दैट इज सेंटर। यहां पे सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो है सेंटर का। व्हाट इज सेंटर? दैट इज हिंदी में बोले तो केंद्र क्या है, ठीक है ना, केंद्र क्या है बच्चों। तो देखिए केंद्र वो है जिसके अबाउट क्या है, पूरा सर्कमफेरेंस, एक फिक्स डिस्टेंस के अबाउट जब पूरा सर्कमफेरेंस बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं आप कि पूरा सर्कमफेरेंस जिस फिक्स डिस्टेंस के अबाउट बनाया जाता है उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग केंद्र, ठीक है ना, उस पॉइंट को हम लोग केंद्र या सेंटर बोलते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें बच्चों, इसलिए मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस पे। आगे चलता हूं तो आपको पता होता है अगला रेडियस। तो बच्चों रेडियस किसे बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना, रेडियस माने त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है बच्चों, इट इज अ फिक्स डिस्टेंस। देखो ये है सर्कमफेरेंस, ठीक है ना, ये किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, ठीक है ना, परिधि और सर्कमफेरेंस एक ही बात है, ठीक है ना, और ये है केंद्र। तो समझ लीजिए सेंटर और परिधि, केंद्र से लेके सर्कमफेरेंस तक एक सीधी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो जो डिस्टेंस आएगा बच्चों वही त्रिज्या कहलाएगी, वही रेडियस कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए है तो बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन कई बार इनको डेफिनेशन भी हम लोग इनको डिफाइन करने में समझ नहीं आता इसको डिफाइन कैसे करें, समझ रहे ना। तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, पॉइंट एट द सर्कमफेरेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पॉइंट एट द सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा रेडियस, जिसको हम त्रिज्या बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे ठीक है बच्चों, ये सब कोई स्क्रीनशॉट लेने वाली चीजें नहीं है, तो इसलिए मैं फटाफट रब करता जा रहा हूं, क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस बेसिक स्टार्ट यहीं से करा जाएगा, ठीक है। तो अगला हम कहते हैं डायमीटर। अब डायमीटर आपको पता है, डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं हम लोग।
अब व्यास क्या है, एक सर्कल में सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को जोड़ा जाए, सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को जोड़ा जाए, परिधि में किसी दो पॉइंट को जोड़ा जाए, लेकिन इस तरह जोड़ा जाए कि वो उसके केंद्र से पास हो, ठीक है ना। तो ऐसे तो पॉइंट हम यहां भी जोड़ सकते थे, लेकिन हमने कहा कि उन पॉइंटों को इस तरह से जोड़ा जाए कि वो उसके केंद्र से पास हो, जो सेंटर है उससे पास हो। पॉइंट एट द सर्कमफेरेंस इज टू बी ज्वाइंट सच दैट इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसको बोलेंगे बच्चों डायामीटर, ठीक है ना। जो होता है, जो इस तरह से पास होता है कि वो जो होता है रेडियस का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है ना, तो उसको हम डायामीटर बोलते हैं। क्लियर है। अब ऐसे ही हमने सर्कमफेरेंस आपको परिधि बताया। अब आगे चलते बच्चों, अब इससे आगे है डेफिनेशंस अच्छी वाली स्टार्ट की, जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए, अब हमने बात करी यहां पे अगली आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क को हिंदी में बोला जाता है बच्चों चाप। ये आर्क क्या है, आर्क को कैसे डिफाइन करोगे आप किसी? अब देखिए, किसी भी वृत्त में ठीक है ना, उसके सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक सर्कमफेरेंस में ही चलना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी परिधि में चला जाए तो वो बनाता है एक आर्क, ठीक है ना, वो एक आर्क बनाता है बच्चों, समझ रहे हैं आप। तो याद रखिएगा, आर्क किससे बनता है? आर्क बनता है वन पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस टू अदर पॉइंट एट द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। तो आप जब सर्कमफेरेंस में चलेंगे तो वो एक आर्क और चाप बनाएगा। तो यहां पे बच्चों दूसरा आता है हमारे पास कॉर्ड। दूसरा हमसे चीज पूछी जाती है कॉर्ड, व्हाट इज कॉर्ड, ठीक है ना। कॉर्ड को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉर्ड को बोला जाता है जीवा, याद रखिएगा, कॉर्ड को जीवा बोला जाता है। अब जीवा और कॉर्ड क्या है, देखिए, अब जैसे हमने बोला किसी आर्क, किसी दो पॉइंट हमने आर्क में मिलाए, उन दो पॉइंट के अलोंग अगर कोई स्ट्रेट लाइन खींची जाए, मतलब कोई सरल रेखा खींची जाए जो, बस याद रखिएगा, जो उसके सेंटर से नहीं पास हो रही हो, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसी सरल रेखा जो सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करके बने और वो उसके केंद्र से पास ना हो, ठीक है ना। द स्ट्रेट लाइन विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन अ सर्कमफेरेंस एंड इट डजंट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, केंद्र से पास ना हो। तो बच्चों इस लाइन को AB, इस लाइन को बोला जाएगा कॉर्ड। तो इसको बोला जाएगा, इस सरल रेखा को हम एक कॉर्ड इन अ सर्कल बोलेंगे। क्लियर है बच्चों। तो एक कॉर्ड के लिए क्या चाहिए होते हैं सर्कमफेरेंस में? दो पॉइंट चाहिए होते हैं जो उसके सेंटर से पास ना हो रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड को जीवा बोला जाता है। आगे बच्चों हम इसी की बात करें तो यहां पे एक और टर्म आती है जो इससे कंफ्यूज करती है हमें, जिसको हम बोलते हैं सीकेंट। याद रखिएगा, एक टर्म आती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या है? सीकेंट को हिंदी में छेदिका बोला जाता है। सीकेंट को हिंदी में छेदिका बोला जाता है बच्चों। ये क्या है? तो देखिए, कई बार इसको लेके कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही बोलती है कि सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को, परिधि में किसी दो पॉइंट को अगर हम मिला के कोई लाइन खींचें, कोई कट करें, सेक्शन लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा खींचें, तो वो हमारा छेदिका कहलाएगा, सीकेंट कहलाएगा। तो फिर सीकेंट और कॉर्ड में फर्क क्या है? देखिए, जैसे हमने किसी सर्कल में कोई दो पॉइंट आपस में मिला के कट कर दिए, यहां भी वो लाइन क्या होनी चाहिए? वो लाइन उसके केंद्र से पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, वो लाइन यहां पे भी उसके केंद्र से पास नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग सीकेंट। अब आते हैं इन दोनों के डिफरेंस में कि कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस क्या है, फिर दोनों एक जैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो बच्चों डिफरेंस ये होता है कि कॉर्ड जो होता है वो परिधि को सिर्फ टच करता है, कॉर्ड जो होता है वो परिधि को सिर्फ टच करता है, लेकिन सीकेंट जो होता है उसको कट करता है, पूरा परिधि को, सर्कमफेरेंस को कट करता है। तो कॉर्ड सर्कमफेरेंस को सिर्फ टच करता है बच्चों, उसके बाहर नहीं बनेगा, लेकिन सीकेंट जो होगा वो इस पूरे सेक्शन को कट करके बाहर तक बनेगा। तो ये फर्क होगा सीकेंट और कॉर्ड में। आई होप आपके समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमने बात करी आर्क, कॉर्ड और सीकेंट की। अब इसके अलावा कुछ हम चीजें की बात करें तो यहां पे बच्चों एक टर्म आती है सेक्टर।
ठीक है ना। एक और टर्म यहां पे आती है सेक्टर। अब सेक्टर भी सबने पढ़ा है, सेक्टर क्या है? तो देखिए सेक्टर को भी डिफाइन करने का तरीका क्या है कि अगर कोई वृत्त है उसका कोई सेंटर है, तो सेंटर में अगर आप कोई दो रेडियस, ठीक है ना, दो रेडियस, ठीक है ना, दो रेडियस, दो त्रिज्याओं को अगर हम बीच के रीजन को देखें, दो त्रिज्याओं के बीच के रीजन को देखें इन अ सर्कल, तो वो कहलाता है बच्चों एक सेक्टर। तो समझ लीजिए हमने क्या करा, दो त्रिज्याओं के बीच के रीजन, दो त्रिज्याओं में आने वाले बीच के शेडेड रीजन को हम सेक्टर बोल रहे हैं। तो इसीलिए इसको हिंदी में त्रिज्या खंड बोला जाता है बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड त्रिज्या खंड, ठीक है ना, इसलिए इसको त्रिज्या खंड बोला जाता है। तो याद रखिएगा हमें, अब आपसे देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन आएंगे कि एक सेक्टर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो याद रखिएगा एक सेक्टर बनाने के लिए हमें रेडियस, त्रिज्या और एक आर्क चाहिए। तो एक आर्क, एक चाप और दो त्रिज्याओं के बीच में आने वाला जो एरिया होगा सर्कल में वो सेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो सरफेस आएगा, शेडेड रीजन आएगा, कवर्ड रीजन आएगा, वो हमारा सेक्टर कहलाएगा। तो आई होप आपके त्रिज्या खंड भी समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे बच्चों एक दूसरी चीज आती है, ठीक है, बोर्ड हटा दूं मैं थोड़ा सा, ये देखिए यहां पे एक चीज और आती है बच्चों कि आपको पूछेगा कि व्हाट इज सेगमेंट, ठीक है ना, यहां पे एक चीज और आएगी, दैट इज सेगमेंट क्या है फिर, ठीक है। तो किसी भी कर्व का सेगमेंट क्या है, एक दिन मुझे लगता है मैं इस तारों में गिर ना जाऊं, बहुत ज्यादा तारे तारे हो जाती हैं। सेगमेंट क्या है बच्चों, सेगमेंट है कि अगर किसी सर्कल को हम इस तरह से काटें, मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, किसी दो खंड में बांट दें सर्कल को, बस शर्त क्या है, फिर वो उसके डायमीटर से पास नहीं, मतलब उसके सेंटर से पास नहीं हो रही हो, इस तरह से हम इसको डिवीजन करें इस सर्कल का कि उसके सेंटर से पास नहीं हो रही हो, हम जस्ट ऐसे डिवीजन करें, मतलब कुछ इस तरह से। तो मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से डिवीजन किया, कोई कॉर्ड बना के डिवीजन किया। तो अगर मैंने इस तरह से डिवीजन किया और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज दिस, ये रीजन क्या है, तो ये रीजन कहलाएगा बच्चों एक सेगमेंट। ऐसे रीजन को हम एक सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, सर्कल का एक पार्ट है, सर्कल का एक टुकड़ा है, सर्कल का एक खंड है। तो इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, वृत्त खंड। देखिए हिंदी का अगर वही है ना कि जो बच्चे कंटिन्यूअस इंग्लिश पढ़ते रहते हैं वो हिंदी से वैसे ही दूर हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको हिंदी डिफिकल्ट लगने लग जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो हिंदी में ज्यादा अच्छे से चीजों को डिफाइन किया रहता है कि एक्चुअल में क्या, देखिए डेफिनेशन यही क्लियर दिख रही है कि वृत्त का कुछ खंड, तो दैट इज अ सेगमेंट। तो समझ गए आप सेगमेंट और इसमें अंतर, सेक्टर में, ठीक है ना। तो सेगमेंट में हमारा डिवीजन होगा, लेकिन वो डिवीजन कभी भी उसके सेंटर से पास नहीं होगा, तो वो एक सेगमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो सेंटर से पास होता है तो वो क्या कहलाएगा, आइए, तो हमने कहा अगर वो उसके सेंटर से पास होता है बच्चों तो ये क्या कहलाता है, तो अगर हमारा सर्कल जो है उसमें ये लाइन जो है सरल रेखा उसके सेंटर से पास होती है, तो अगर सेंटर से पास होती है और तब आपको पूछा जाता है कि ये शेडेड रीजन क्या है बच्चों, तो ये कहलाता है फिर सेमी सर्कल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल या अर्धवृत्त, ठीक है ना, आधा सर्कल, आधा वृत्त, तो इसको बोला जाता है बच्चों अर्धवृत्त। क्लियर है, समझ आ गया आपके, सेगमेंट क्या है, सेमी सर्कल क्या है, ठीक है ना, क्लियर है ना सबको, दोनों तरफ दोनों चैनल्स में ओके है, सब सही चल रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों का रिस्पांस, सब ओके है, ठीक है ठीक है। डीजल मैकेनिक भैया, डीजल मैकेनिक के लिए परेशान होते हो बच्चों, आज ही होगी क्लास, ठीक है ना, मैं नहीं सोऊंगा बिना क्लास दिए, टेंशन ना लीजिए। मैं यहां सुबह 7 बजे आ जाता हूं, तब से क्लासेस कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना, लेकिन अब जब बोल दिया आपको क्लास लेंगे तो क्लास लेंगे, इसलिए मैंने आपको सुबह ही मैसेज कर दिया था कि लेट इवनिंग क्लास स्टार्ट होगा। तो जिन बच्चों का डीजल मैकेनिक का क्लास है वो बिल्कुल आज ही होगा, इसी क्लास के बाद होगा, जस्ट पानी वानी पीने के बाद मैं फिर से डीजल मैकेनिक की क्लास भी लूंगा, क्लियर है, तो टेंशन ना लीजिए। चलिए सेमी सर्कल और वृत्तखंड की हमने बात करी, चलिए अब आगे चलते बच्चों। तो ये थी हमारी सर्कल की बेसिक चीजें, ठीक है। एक आधी चीजें और आप समझ सकते हो कि टेंजेंट, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या है बच्चों, सर्कल
को स्पर्श करते हुए, ठीक है ना, सर्कल को टच करते हुए जो स्ट्रेट लाइन जाती है उसको टेंजेंट कहलाती है। टेंजेंट की दो ही परिभाषाएं होती हैं, एक कि सर्कल जो सर्कल को स्पर्श करते हुए जाती है उसे टेंजेंट बोलते हैं, दूसरा क्या कि ये रेडियस के साथ जो होती है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो सेंटर से अगर इसको लाइन को जोड़ें किसी भी टेंजेंट में, चाहे आप यहां बनाएं तो सेंटर से जोड़ें तो ये 90 डिग्री का कोण यहां पे बनाती है, नॉर्मल होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है उसके, ठीक है ना। तो ये है बच्चों हमारे बेसिक सी डेफिनेशंस चीजों को लेके, सर्कल को लेके, ठीक है ना। तो दीज आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल, यहां पे आपके आरआरबी में बहुत क्वेश्चंस आए, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। आइए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। चलिए तो देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग कोनिक सेक्शंस की, कोनिक सेक्शंस की। तो बच्चों कोनिक सेक्शंस में आपको एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, बस याद रखिएगा। कोनिक सेक्शंस किसे बोलते हैं? कोनिक सेक्शंस बोला जाता है, ठीक है ना, क्लियर है सब। कोनिक सेक्शन बोला जाता है शंकु छिनक को, ठीक है ना, शंकु छिनक को, ठीक। तो यहां जब हम बात करते हैं कोनिक सेक्शंस की, तो देखिए कोई भी कोन, ठीक है, कोई भी कोन को आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चों इसमें, कि कोन को अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कटिंग प्लेन से काट के देखूं तो कैसा सेक्शनल शेप मुझे मिलता है, वो आपसे पूछेगा। तो बस आपको इसकी परिभाषाओं में यही समझना है कि जब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से काटेंगे, कटिंग प्लेन मेरा वर्टिकल होगा, कटिंग प्लेन मेरा हॉरिजॉन्टल होगा, कटिंग प्लेन मेरा एंगल में होगा, कटिंग प्लेन मेरा नीचे डायमीटर को टच करते हुए होगा, तो बस आपको वो बनने वाले सेक्शन काट के बनने वाली शेप के बारे में बताना है बच्चों। तो बस यही आंसर इसका होगा ऑलवेज। तो आइए ऐसी कुछ शेप्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, कटिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, कटिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेक्शन यहां पे बनते हैं, बस उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो सबसे पहला सेक्शन मैं यहां पे लेता हूं कि मान लीजिए कोई राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, बाद में इसको कंबाइंड भी बताऊंगा, उसमें आपको और मजा आएगा। क्या कि कोई राइट सर्कुलर कोन है बच्चों, बस ये इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है, इसको मान लीजिए मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटता हूं, ठीक है, मेरा कटिंग प्लेन जो है वो इस तरह का हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। इफ माय कटिंग प्लेन इज लाइक दैट, तो आपको पता है जो सेक्शन इसमें कटेगा वो सेक्शन इस कोन का कैसा सेक्शन होगा बच्चों। अगर मैं इस तरह के हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट प्लेन से काटूंगा तो ये मेरा एक सर्कुलर सेक्शन मुझे मिलेगा। तो ऐसा सेक्शन बच्चों क्या होगा? एक सर्कल होगा, ठीक है ना, ये जो कटिंग सेक्शन होगा ये एक सर्कल होगा। तो यहां पे इसकी शेप आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए अब मैं दूसरा कोन लेता हूं, ठीक है ना, दूसरा कोन लेता हूं और उसको मैं किसी ऐसे एंगल पे काटता हूं, ठीक है ना, इस तरह के एंगल पे काटता हूं कि वो इसके नीचे टच नहीं करता है, बस पूरा पूरा काट दिया जाता है, इसको टच नहीं करता है। तो ऐसे में जो सेक्शन, कटा हुआ सेक्शन मुझे मिलेगा वो सेक्शन क्या होगा बच्चों? वो सेक्शन होगा कुछ इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का इंक्लाइंड अगर मैं इसे काटूं तो ये सेक्शन मुझे इस तरह का मिलेगा बच्चों। अब ये शेप क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड एलिप्स, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एलिप्स, इसको हम एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। एलिप्स की अगर बात करें तो एलिप्स के बारे में मैं थोड़ा सा यहां पे बताऊं आपको। तो एलिप्स बच्चों क्या है? एलिप्स हमारा कुछ इस तरह का शेप होता है जिसकी, जो दो एक्सिस के बीच में बनाया जाता है, जिसमें एक होती है जो बड़ी एक्सिस होती है, दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और एक छोटी एक्सिस होती है जिसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो बस ये माइनर और मेजर एक्सिस के बीच में बनाया जाता है हमारा एलिप्स, ठीक है। थर्ड केस हम लोग देखें कि अगर मैं, देखिए याद रखिएगा, राइट सर्कुलर कोन ही है ये, ठीक है ना, अगर मैं देखूं कि कोई राइट सर्कुलर कोन है,
ठीक है ना, और उसमें मैं एंगल पे ही कट करूं, लेकिन इस तरह से एंगल पे कट करूं कि जो ये है हमारा प्लेन वो नीचे के डाया को टच करता हुआ हो, ठीक है, नीचे के डाया को टच करता हुआ हो, ऐसे प्लेन में अगर हम कट कर दिया जाए सेक्शन में, तो मुझे किस तरह का शेप मिलेगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इधर निकल गया, ये समझ लीजिए कुछ इस तरह से मैं इसे कट करूं कि ये मुझे कुछ इस तरह का शेप दिखाई दे, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों। अब देखो नीचे वाली अगर साइड को ये टच करता हुआ होगा तो मेरा सेक्शन जो होगा एलिप्स से थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, नीचे से कैसे हो जाएगा, फ्लैट सा हो जाएगा, तो अगर ये नीचे से फ्लैट हो जाएगा सेक्शन, ठीक है ना, नीचे से जो है वो फ्लैट हो जाएगा, तो शेप कैसा होगा बच्चों, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना, शेप कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, तो इस तरह की शेप को बच्चों हम लोग बोलते हैं पैराबोला, तो ये बनता है एक पैराबोला, ठीक है। अब इसी को अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं बच्चों, तो आपको इस साइड दिखाई दे रहा है, तो अगर इस साइड दिखाई दे रहा है तो मैं फोर्थ केस यहां पे बना लेता हूं कि अगर मैं इसी को बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, ये एक रेक्टेंगुलर फेस में बिल्कुल सीधा सीधा इसे कट कर दूं, तो बच्चों देखो अगर मैं इसे बिल्कुल सीधा सीधा यहां से इस प्लेन को कट कर दूं बिल्कुल स्ट्रेट, तो बच्चों बताओ मुझे कैसा शेप दिखाई देगा। अब ये आप बताओ मुझे, अगर आपके समझ में आया है तो सीधा सीधा अगर कट कर दिया जाए तो बच्चों बताओ कैसा शेप दिखाई देगा मुझे, जल्दी बताइए सेक्शन मुझे। बताइए कोई तो बताइए, तुम लोग पढ़ते पढ़ते सो तो नहीं गए हो। हाँ चलो कोई तो जागा है, बिल्कुल ये मुझे क्या दिखाई देगा, ये मुझे एक ट्राइंगल दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक है ना, तो ये मुझे एक ट्राइंगल दिखाई देगा बच्चों, बिल्कुल ऐसे इस तरह से मुझे एक ट्राइंगल दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको बीचों बीच ना काटता, मतलब सेंट्रल वर्टेक्स एक्सिस से ना काटता और मैं थोड़ा सा इधर काटता बच्चों, ठीक है, अगर मैं सेंटर एक्सिस से ना काट के इसको थोड़ा सा कॉर्नर से काटता, मेरा जगह भर गया तो मैं बीच वाले किसी को हटा देता हूं, तो मान लीजिए ठीक है ना, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, तो ये मेरा ट्राइंगल हुआ बच्चों। इस केस में बस याद रखिएगा, ट्राइंगल आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप उसे बिल्कुल वर्टेक्स के अलोंग काटेंगे, ठीक है ना, वर्टेक्स के अलोंग सेक्शन आपका कटिंग प्लेन होगा तभी आपको ट्राइंगल मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे कुछ थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है ना, एक कोन में अगर मैं इसकी जगह पे थोड़ा सा प्लेन को वर्टिकली रखता हूं, लेकिन प्लेन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है ना, इसकी एक्सिस पे ना डाल के, वर्टेक्स एक्सिस पे ना डाल के मैं थोड़ा सा प्लेन को ऐसे कट करता हूं, मान लीजिए कुछ इस तरह से प्लेन को मैं कुछ इस तरह से कट करता हूं, ठीक है, और बिल्कुल नीचे तक, तो बच्चों बताओ मुझे कैसा सेक्शन दिखाई देगा। अब मुझे जो सेक्शन दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का सेक्शन होगा, ठीक है ना, तो बच्चों यहां पे याद रखिएगा, इस तरह का स्ट्रेट सेक्शन दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट शेप इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाइपरबोला अगर मतलब तो समझते हैं ना आप लोग, ठीक है ना, अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसे, पैराबोला को, इसको बोला जाता है परवलय, ठीक है ना, That is parabola is called परवलय, और इसको क्या बोला जाता है hyperbola को, इसको बोला जाता है अति परवलय, क्लियर है, तो परवलय और अति परवलय बोला जाता है इसको। चलिए तो बच्चों ये रहे कुछ सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, बस अब याद आपको क्या रखना है, अगर मैं इसका एक शॉर्ट डायग्राम आपको बताऊं जिससे आपको याद रहे ये चीजें, तो देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको ये प्लेन का सीन याद रहेगा, वो क्या हो सकता है बच्चों, देखिए मान लीजिए एक राइट सर्कुलर कोन में यहां पे बनाता हूं, एक सेकेंड ब्लैक पेन लेते हैं, एक राइट सर्कुलर कोन मान लीजिए मैं यहां पे बनाता हूं, तो देखिए अब बस आपको इसी तरह से आंसर करना है कि अगर मैं इसमें एक्सिस जो है वो स्ट्रेट यहां पे कट करूं तो बच्चों क्या मिलेगा मुझे, सर्कल, क्लियर है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सिस को ऐसे, कटिंग प्लेन मेरा इस तरह से है तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एलिप्स, ठीक है। अगर ये कटिंग प्लेन मेरा इस तरह से है तो बच्चों मुझे मिलेगा पैराबोला, ठीक है। अगर ये कटिंग प्लेन मेरा, समझ गए ना, और ये कटिंग प्लेन मैं बिल्कुल ऐसे ले लूँ स्ट्रेट यहाँ से सीधा, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, ट्राइंगल,
ठीक है। और यही कटिंग प्लेन बच्चों मैं यहाँ से इधर ले लूँ तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखिएगा, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बच्चों इस तरह से आप ये एक्सिस क्या कटिंग प्लेन याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा सिंपल हाइपरबोला, ठीक है ना। ठीक, तो ये होगा बच्चों हमारा डिफरेंट डिफरेंट कटिंग प्लेन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। तो ये आपको याद रखना है, अभी मैं ऑब्जेक्टिव आपसे पूछूंगा तब आपको ये सब चीजें आंसर करनी है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। अब बस अब तुरंत आंसर करिए आप, अगर आप आंसर करते हैं तो समझ लीजिए आपका आरआरबी का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखने वाला हूं बच्चों, तो बस अब सीधा क्वेश्चंस पे आ जाइए। चलिए रेडी हो जाइए सब लोग आंसर करने के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है बच्चों, बस मुझे आंसर करते जाइएगा फटाफट। चलिए ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो सबको क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है ना। अब बस अब आंसर करते जाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बताइए निम्न चित्र के छायांकित भाग का नाम बताइए, मतलब शेडेड रीजन, ठीक है, जो शेडेड रीजन है वो बताइए क्या होगा, जो शेडेड रीजन है वो क्या होगा। ए ऑप्शन दिया है त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड बच्चों मैंने आपको बताया था क्या होता है त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड मतलब सेक्टर, क्या ये सेक्टर है। वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब सेगमेंट, क्या ये बी ऑप्शन है सेगमेंट, सी ऑप्शन है कॉर्ड एंड डी ऑप्शन है आर्क। तो बताइए बच्चों क्या ये सेगमेंट है, क्या ये कॉर्ड है, क्या ये आर्क है या ये सेक्टर है। तो अब आंसर बताइए फटाफट, बी बिल्कुल, ये क्या है बच्चों, ये एक वृत्तखंड है। क्यों है ये वृत्तखंड, अब आपको आराम से समझ में आ रहा है कि देखिए डाया से पास नहीं हो रहा है, शेडेड रीजन जो है वो क्या है सर्कल को सीधा सीधा दो भाग में बांट रहा है। तो एक सेगमेंट किसके बीच में होता है बच्चों, एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में बनने वाला रीजन जो होता है वो एक सेगमेंट होता है। तो ये क्या है, ये बी ऑप्शन एक वृत्तखंड है। क्लियर है बच्चों सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, आइए अब बताइए दिए गए रेखा चित्र में ये शेडेड रीजन क्या है। जल्दी जल्दी आंसर करिए बच्चों, सब आरआरबी के क्वेश्चंस हैं तो इसमें कोई डाउट करने की भी दिक्कत नहीं है, बस आपका रिस्पांस मुझे क्विक क्विक चाहिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, किसके बीच में बच्चों, ये आर्क है और दो रेडियस दिखाई दे रहे हैं, तो आर्क और दो रेडियस के बीच में क्या होगा, ये बिल्कुल एक त्रिज्याखंड होगा, सेक्टर होगा बच्चों, है ना, दो रेडियस और आर के बीच में सेक्टर होगा, दैट इज आंसर बी। तो इसका आंसर भी हो जाता है बच्चों बी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अगला क्वेश्चन वर्टेक्स के फोकस तथा वर्टेक्स के डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो बच्चों ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो वर्टेक्स देखो क्या होता है, जहां से आइए मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन से हट रहा हूं और आपको इसका आंसर करता हूं, थोड़ा इसको हाइड करिएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं बच्चों कि इसेंट्रिसिटी किसे बोलते हैं और ये क्या वर्टेक्स और फोकस की बात हो रही है। देखिए देखिए बच्चों यहां पे सिंपल समझिए, वर्टेक्स फोकस क्या होता है कि कोई भी आप फिगर बनाते हैं तो उसका एक फोकस पॉइंट होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अब जो भी आप पॉइंट लेंगे ना, मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स है, इसको मैं डी बोल देता हूं, तो जो भी आप पॉइंट लेंगे, या मैं इसको सी बोल देता हूं, जो भी आप पॉइंट लेंगे वो पॉइंट सी से और एफ से, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से कितना दूरी पे होगा, ठीक है, वो पॉइंट जो है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से कितना दूरी पे होगा, अगर वो बराबर दूरी पे है, समझ लो इन दोनों की दूरी को ही ये समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको बीच में पॉइंट में इसको बोल दिया, तो दैट इज वर्टेक्स। अब मैं बोल रहा हूं ये CV और CF VF की दूरी जो है वो बराबर है, तो बच्चों याद रखिएगा इस दूरी को बोलते हैं, इस दूरी के रेशियो को बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी मतलब होता है यही CV अपॉन VF, ये दूरी को, ठीक है ना, या मैं बोलूं VF अपॉन VC का जो रेशियो होगा इसे इसेंट्रिसिटी बोला जाएगा। तो ये अगर रेशियो बराबर है तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, 1।
अगर ये रेशियो बड़ा है ठीक है ना, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन वन, और ये रेशियो छोटा है तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी ग्रेटर देन वन, और अगर ये जीरो है ये डिस्टेंस तो दैट इज इसेंट्रिसिटी हो जाएगी जीरो। तो बच्चों ये अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होती है, तो आपको आंसर याद रखना है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बोलूँ तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको सभी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप सर्कल की बात करेंगे आगे से याद रखिएगा, इसेंट्रिसिटी आपको पूछता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आपको पूछेगा कल के दिन पे सर्कल के लिए, तो याद रखिएगा सर्कल के लिए बच्चों इसेंट्रिसिटी होती है जीरो, क्योंकि वो चारों तरफ जो है वो बराबर होता है। तो ऐसे में इसेंट्रिसिटी जो होती है सर्कल के लिए याद रखिएगा वो होती है बच्चों जीरो। अगर आपको यही पूछता है एलिप्स के लिए ठीक है ना, यही आपको इसेंट्रिसिटी पूछता है एलिप्स के लिए, तो याद रखिएगा इसेंट्रिसिटी एलिप्स के लिए होती है ऑलवेज लेस देन वन बच्चों, ठीक है, मतलब जीरो से वन के बीच में इसकी वैल्यू होती है लेस देन वन। अगर यही आपको पूछता है बच्चों पैराबोला के लिए ठीक है ना, यही आपको पूछता है कल के दिन पे पैराबोला के लिए, तो इसेंट्रिसिटी याद रखिएगा इक्वल टू वन होती है पैराबोला के लिए, यही इसेंट्रिसिटी इक्वल टू वन होती है। और यही आपको पूछता है बच्चों हाइपरबोला के लिए, तो याद रखिएगा इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन होती है, वन से ज्यादा। तो ये चार केस ही हो सकते हैं बच्चों, ये चारों केस आपको ध्यान रखने हैं। भले यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन तो सीधा सिर्फ ये पूछा था कि व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, समझो पूछा था आपसे, तो वहां तो आप इसेंट्रिसिटी आंसर कर देंगे, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि इसेंट्रिसिटी मतलब वही है कि जो पॉइंट आप ले रहे हो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से कितना दूर है और फोकस से कितना दूर है, उसके रेशियो को बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। और वो सर्कल के लिए जीरो होती है, एलिप्स के लिए लेस देन वन होती है, पैराबोला के लिए इक्वल टू वन होती है, और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन वन होती है बच्चों। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन के साथ अगर आगे कभी पूछे तो इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या होती है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसेंट्रिसिटी बच्चों क्या है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस तथा वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं वर्टेक्स टू फोकस। तो मैंने आपको बताया था वी एफ अपॉन वी सी, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, इसके रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया नीचे ऑप्शन डी, इसेंट्रिसिटी, क्लियर है। और वही आपको मैंने बता दिया, अगर वी एफ वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस ज्यादा है जो कि हाइपरबोला के लिए होता है तो इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन हो जाती है, अगर ये बराबर होता है जो कि पैराबोला के लिए होता है तो ये इक्वल टू वन हो जाती है, अगर ये वी एफ अपॉन वी सी जो है वो लेस देन वन होता है, मतलब वी एफ जो है वो छोटा होता है वी सी के कंपेयर में, तो वो इलिप्स हो जाता है, और अगर ये दोनों जीरो होते हैं तो ऐसे में इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है, जो कि सर्कल के केस में होती है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको क्लियर है आंसर डी इसेंट्रिसिटी। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है। तो मैं बता देता हूं क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है सर्कल के उस पार्ट का नाम बताइए जो आर्क और कॉर्ड के बीच में बनाया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था आर्क और कॉर्ड के बीच में क्या बनाया जाता है, ठीक है ना, ये सेगमेंट वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी सेगमेंट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर बी सेगमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, बस ये भी फटाफट आंसर करिए, कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बच्चों कई जगह पूछा हुआ है, तो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही समझा दी कि कितना इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछ रहा है। ये बताइए नीचे दिए गए चित्र में छायांकित प्रदर्शन क्या होगा, तो दैट इज अगेन सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मुझसे एक बार और लग गया, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, उसका आंसर हो गया सी। वृत्त का माप देने की सही विधि बताइए बच्चों। यहाँ पे आपको देख रहे हैं सर्कल को अलग अलग तरीके से बताया गया है, भले ही मैं अभी आपको डायमेंशंस वगैरह के ऊपर भी एक लेक्चर लूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटी मोटी सी चीजें हैं जो बेसिक सी पता होनी चाहिए। तो कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन से वाले से सही तरीके से बताया गया है, बच्चों फटाफट आंसर करिए। ठीक है ना, तो कौन से वाले से सही बताया गया है बच्चों, दैट इज यहाँ पे याद रखिएगा सही तरीके से बताया गया है सी ऑप्शन से। क्यों, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी डाया की तो याद रखिएगा डाया को इस तरह के साइन से शो किया जाता है, ठीक है ना, किसी भी डायामीटर को इस तरह के साइन से शो किया जाता है। तो यहाँ पे एरो लगा के ये डाया इस तरह के साइन से बताया गया है 9, तो बाकी जो है वो गलत है, तो सी ऑप्शन जो है जिसमें करेक्ट तरीके से दिखाया गया है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों बताइए, अगला क्वेश्चन है दीर्घ वृत्त का चाप पर मिलने वाले मेजर एक्सिस के सिरे क्या कहलाते हैं।
बताइए बच्चों क्या कहलाते हैं? अभी इलिप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसी से इसका आंसर मिलेगा। क्या होगा बच्चों आंसर? फोकस की वर्टेक्स की टेंजेंट की नॉर्मल, तो ये कहलाएगा आपका क्या? दैट इज योर वर्टेक्स। तो याद रखिएगा मेजर एक्सिस की अगर हम बात करें तो मेजर एक्सिस जहां पे टच करती है एलिप्स को तो वो कहलाते हैं हमारा, देखिए मेजर एक्सिस बोला है ना उसने, तो मेजर एक्सिस जहां पे टच करती है उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग वर्टेक्स। तो यहां पे आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन है इन कोनिक सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा स्लांट लाइन के समांतर नहीं होता तथा आधार से गुजरता है। तो बच्चों बताइए, अब ये आपको वही कटिंग प्लेन के क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाए तो इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे कटिंग प्लेन कैसा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बता देता हूँ, कटिंग प्लेन कैसा है, कटिंग प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट है बच्चों, लेकिन जो है वो सेंटर वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है, तो कैसी शेप बनेगी बच्चों बताओ, कैसी शेप बनेगी इसकी? बिल्कुल हाइपरबोला, ठीक है ना, हाइपरबोलिक शेप बनेगी। ये कैसा है? ये कोनिक सेक्शन के साइड से कट करके स्ट्रेट प्लेन जा रहा है, जो हमने लास्ट ऑप्शन किया था, दैट इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बच्चों डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी शंकु को कटिंग प्लेन किसी कोण पर काटे तथा सभी जनरेटर कट जाएं तो बना कोनिक सेक्शन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा बच्चों ये? अब बस अब आपको समझने वाली बात है, अगर आप समझ पाए तो बहुत इजी है, ठीक है ना। देखिए पूरा पूरा एक स्लांट इंक्लाइंड प्लेन अगर काट रहा है और इस तरह काट रहा है कि वो उसके नीचे डाया को टच नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर पूरे जनरेटर को काटते हुए जा रहा है, जनरेटर मतलब उसकी जो साइड हो गई जिससे कोन बना है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों इलिप्स। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? वृत्त का वह भाग, ठीक है, वृत्त का वह भाग जो एक चाप वा व्यास से बनाया जाता है। तो बच्चों ये वही हो गया आंसर इसका, क्या होगा वो बताओ? चाप या व्यास? चाप वा व्यास से बनाया जाता है। आपको उसी टाइम अभी तक कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक मैं पूछ रहा था चाप वा जिव्या से, ठीक है ना, तो उससे नहीं, तो यहां पे व्यास पूछा है तो सेमी सर्कल हो गया ये, डायमीटर और आर्क, तो डायमीटर आर्क का सेमी सर्कल आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्धवृत्त। क्लियर है ना, सेमी सर्कल। चलिए अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहते हैं? तो बच्चों ये भी आंसर करना आसान है, क्या कहते हैं परिधि के एक अंश को? परिधि मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के एक पार्ट को क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस के एक पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हम लोग चाप, ठीक है ना, दैट इज आर्क। तो सर्कमफेरेंस के एक पार्ट को हम लोग आर्क बोलेंगे, क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के चाप व जीवा से घिरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों आर्क एंड कॉर्ड ये वापस आ गया। अब देखिए पता नहीं कितने एग्जाम में ये चीज पूछी गई है, तो भैया इसको तो रट के बैठ जाओ, क्या इसका आंसर हो जाएगा? वृत्तखंड। फटाफट आगे चलते हैं। अब देखिए अगला कौन सा है? एक इलिप्स बनाने में दो अक्ष आवश्यक हैं, मतलब एक इलिप्स बनाने में कौन सी दो एक्सिस का मेन रोल है बच्चों? अभी आपने बात करी मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा बी, मेजर एंड माइनर एक्सिस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेडियल रेखा विकास विधि में शंकु के विकास का सूत्र है, क्या है बच्चों शंकु के विकास का सूत्र? तो बच्चों राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, तो देखिए राइट सर्कुलर कोन में इस तरह का राइट सर्कुलर कोन होता है, तो ये मान लीजिए इसका डाया होता है और ये मान लीजिए इसकी लेंथ होती है, तो ऐसे में ये जो थीटा होता है वर्टेक्स एंगल, ये किस मेथड से बताया निकाला जाता है बच्चों? दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू डी बाय एल इंटू 180 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो कौन सा है बच्चों ऑप्शन यहाँ पे? ए इज दी करेक्ट ऑप्शन, थीटा इज इक्वल टू डी बाई एल इंटू 180, क्लियर है ना, तो ए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा डिफरेंट मेथड होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही है रेडियल रेखा विकास, क्लियर है, जिससे हम वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट,
If a line intersects a circle at two points and does not pass through the center, the line segment inside the circle is referred as. बताइए बच्चों क्या कहलाएगा ये? Line segment inside a circle. अभी हमने इसकी बात करी. फटाफट आंसर करिए, काफी देर से बच्चे आंसर कर नहीं रहे हैं. तो बच्चों वही है, देखो सारा एनकरेजमेंट यहीं से आता है कि आप लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हो. और अगर आप लोग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे तो फिर इस मेहनत का, इस रात रात को उठना बैठने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है ना? तो आई एम वेटिंग कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें और उसके हिसाब से इसका आंसर प्रॉपर करें. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आंसर बिल्कुल क्या है, कॉर्ड की बात हो रही है. ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना? अब आप ध्यान से पढ़ते रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए. अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हेन अ पेंडुलम ऑसिलेट्स. ठीक है ना? व्हेन अ पेंडुलम ऑसिलेट्स द कर्व ट्रेसेस आउट बाय अ पॉइंट मूविंग अलोंग इट्स स्ट्रिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज. बच्चों ये भी आंसर करना बहुत आसान है. देखिए कोई पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो अगर उसके पॉइंट को ट्रेस किया जाए तो क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर हम किसी भी पेंडुलम के पॉइंट को ट्रेस करते हैं, मान लीजिए पेंडुलम है और आप इसको इधर इधर इसका जो मूवमेंट हो रहा है इसको अगर आप ट्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इस पॉइंट तक जाता है. ठीक है ना? और वापस इस पॉइंट पे वापस आता है बच्चों. तो ऐसे में ये क्या बनाता है? ये बनाता है एक सर्कल. ये एक सर्कल में मूव करता है. किस तरह से? देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ. मान लीजिए आपने एक थ्रेड में कुछ बांधा है. ठीक है, थ्रेड में कुछ बांधा है. अब आप इस चीज को घुमाइए, आप इसे सर्कल में घुमाइए. मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको. ठीक है, सर्कल में घुमाइए और इसके किसी एक पॉइंट को फॉलो करिए बच्चों. देखो कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है और उसके एक पॉइंट को फॉलो करो, इस पॉइंट को नीचे ट्रेस करते रहो, मतलब इसकी पोजीशन को नीचे आप ट्रेस करते रहो. अभी ये यहाँ है, फिर ये यहाँ पहुंचेगी. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ नीचे जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ पहुंचेगी, फिर ये यहाँ पहुंचेगी, फिर ये यहाँ पहुंचेगी. तो आप देखोगे अगर इस सर्कल को आप ट्रेस करते रहो तो बॉडी इधर से इधर ऑसिलेट करेगी बच्चों. इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. तो ये क्या हो जाता है? ये सेम. अब आपसे उल्टा पूछा है कि बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो वो किसको फॉलो कर रही है? एक सर्कल को फॉलो कर रही है. तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? ए. ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा इसके आंसर में. इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ए कह रहा हूं मैं, स्पाइरल बन जाएगा आपका. ठीक है ना? ठीक है, ठीक है. ये पेंडुलम की बात कर रहा है, ये स्पाइरल. तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी. ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस घूमता रहेगा. ठीक है, ये कुछ इस तरह से जाएगा. ठीक है, इस तरह से ऐसे करके बाहर जाएगा. इसको स्पाइरल बोलेंगे. ठीक है ना? स्पाइरल ऑप्शन मैंने देखा नहीं, बी स्पाइरल आपको दिया हुआ है यहाँ पे. क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी. ठीक, तो आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ. द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच रोल्स अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज. तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे? देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ. वो कह रहा है कि एक सर्कल है, उस पर कोई स्टिक है, मान लीजिए वो स्टिक जो है वो इस पर चल रही है. अभी ऐसे है, थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी, थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी. ठीक है, समझ लीजिए ना, एक बॉल के ऊपर जो है एक स्टिक है वो मैं ऐसे ऐसे करता जा रहा हूँ धीरे धीरे. तो अगर मैं ऐसे करता रहूँ थोड़ी देर में ऐसे, थोड़ी देर में ऐसे, ये सर्कुलर बॉल है उसके ऊपर ऐसे 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 थोड़ी देर में ऐसे करता रहूँ, तो अगर मैं इसके पाथ को फॉलो करूँ, ठीक है, इसके पाथ को फॉलो करूँ कि ये पाथ अभी ऐसे था, अभी ये ऐसे थी स्टिक पहले, तो ये पाथ अगर फॉलो करेंगे, इसको लोकस बनाएंगे इस पॉइंट्स का सभी, तो बच्चों ये कैसा शेप कहलाएगा? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं साइक्लॉइड. दैट इज कॉल्ड साइक्लॉइड. इसी तरह की शेप हमें गियर में भी देखने को मिलती है जब आप गियर के टूथ प्रोफाइल को बनाते हैं. ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड साइक्लॉइड, जिसको हम लोग इस तरह की शेप बोलते हैं. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी. डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोनिक सेक्शन. बच्चों इनमें से कोनिक सेक्शन कौन सा नहीं है? तो अब देखिए कोनिक सेक्शन अगर आप कट करेंगे, ठीक है ना, तो कौन सा होगा? सर्कल एक कोनिक सेक्शन था, जब हमने स्ट्रेट काटा था, पैराबोला था, एलिप्स था. तो कौन सा है बच्चों जो नहीं है? जो नहीं है वो है स्क्वायर. तो आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. Which is common to circle, ellipse, parabola, hyperbola? इन सब में common क्या है? ठीक है ना? Circle, ellipse, parabola, hyperbola में सब में common क्या है बच्चों? Sphere, cone, prism, pyramid. तो आप देख सकते हैं common क्या है बच्चों? शंकु, क्योंकि ये सभी किसके section से कट के बनेंगे? Cone के, क्योंकि sphere को आप जब भी काटोगे, जैसा भी काटोगे, it's always a circle.
वो हमेशा सर्कल रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसका तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए स्पेयर में आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन कोन को अगर आप अलग अलग प्लेन से काटोगे तो आपको सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब मिलता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका भी बी, ठीक है ना, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर ड्राइंग इलिप्टिकल कर्व। कौन सा मेथड इलिप्टिकल कर्व ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए यूज नहीं होता है, बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इसका। Which of the following method is not used for drawing elliptical curves? तो बच्चों याद रखिएगा, इस method को बोलते हैं tangent method, ठीक है ना। सॉरी, इस method जो यहाँ पे, क्योंकि oblong method दिया हुआ है, concentric circle method दिया हुआ है, intersecting arc method दिया हुआ है। तो बच्चों याद रखिएगा ये तीनों ही method जो हैं, ठीक है ना। वैसे तो method और भी होते हैं, चार method होते हैं। एक elliptical trammel method भी आता है बच्चों, जिससे ellipse बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चार मेथड होते हैं, ये तीन ऑबलोंग मेथड, ठीक है ना, ऑबलोंग मेथड, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड और इंटरसेक्टिंग आर्क मेथड, और साथ में इलिप्टिकल ट्रैमल मेथड, जिससे हम लोग ये सब चीजें बनाते हैं, इलिप्स बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा टेंजेंट मेथड, जिससे नहीं बन सकता है, नॉट यूज फॉर ड्रॉइंग इलिप्टिकल कर्व्स, ठीक है ना। इलिप्टिकल कर्व बनाने के जो नहीं यूज होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त की जीवा है, बताइए इसमें जो सर्कल का जो है वो कॉर्ड कौन सा है। बच्चों आप आंसर कर सकते हैं आराम से, कॉर्ड कौन सा है, पी क्यू, ए बी या एस क्यू या ओ। तो बच्चों कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार हैं, आप आराम से हटा सकते हैं उन ऑप्शंस को और सही आंसर आप यहां पे कर सकते हैं। दैट सही आंसर इज क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, जो कॉर्ड होता है, ठीक है ना, कॉर्ड पूछ रहा है ना आपको, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दैट आंसर इज सॉरी, जीवा पूछा है ना आपको, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसके हिसाब से आप आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका पी क्यू। पी क्यू विल बी दी कॉर्ड, ठीक है ना। तो सर्कल की जीवा जो है वो पी क्यू हो जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहां से हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अ स्पीयर इज कट बाय एन इंक्लाइंड कटिंग प्लेन, द ट्रू शेप इज। तो बताइए एक स्पीयर को अगर हम इंक्लाइंड कटिंग प्लेन में कट करें तो शेप क्या होगी बच्चों। अब ये सब आपसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, बताइए आंसर क्या होगा। दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड कटिंग प्लेन, द ट्रू शेप इज। कटिंग प्लेन आपका इंक्लाइंड है बच्चों, तो शेप क्या होगी। अब यहाँ के हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, साइक्लॉयड, पैराबोला। तो स्पीयर को मैंने आपको अभी बोला कैसे भी कट करो स्पीयर को क्या होगा बच्चों, सर्कल, ठीक है ना। इसमें इंक्लाइंड करो आप, ठीक है ना, एक स्पीयर को आप ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे करो, यू विल ऑलवेज गेट अ सर्कल। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। क्लियर है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है ए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये आ गया हमारा वापस वही क्वेश्चन, तो इट मींस ऑल क्वेश्चंस आर फिनिश्ड, ठीक है ना। तो बाकी अब किसी में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, उन चीज को करेक्ट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब कल। आगे आगे हमारा प्रोजेक्शंस वाला पूरा टॉपिक बचता है, तो प्रोजेक्शंस में अब जल्दी आते हैं क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग कंटिन्यू करिएगा अपना स्टडीज को, ठीक है ना। मैं वही कहता हूँ कि चैनल कोई भी हो या किसी भी को भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपके बेनिफिट के लिए जो चीज़ें हैं, जहाँ से सोर्सेज में आपको बेटर मिल रहा है, आप उस चीज़ को लीजिए, ठीक है ना। आप किसी के साथ बाउंडेड तो है नहीं कि हाँ ये आपको यहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ना है। जो भी आपको बेनिफिट आपके बेनिफिट के लिए कर रहा है, जो भी आपको बेनिफिट के लिए कुछ दे रहा है, उसको आप यूटिलाइज करिए, उस सभी सोर्सेज को यूटिलाइज करिए। बस इतना एश्योर रहिए कि जो सोर्सेज आपको मिल रही हैं दे शुड बी करेक्ट, मतलब वो सोर्सेज करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ मतलब अच्छे की जगह और आपका खराब कर दे कुछ। तो याद रखिएगा ऑथेंटिक सोर्सेज को यूज करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल क्या है, मार्केट रहता है, मार्केट में हर कोई चाहता है कि मैं भी करूं मैं भी करूं मैं भी करूं, लेकिन ये चीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है। तो उस बेस्ट चॉइस के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा अपने पास, बाकी सारी मेहनत बच्चों आपकी है उसके बाद, ठीक है ना। तो सोर्सेज को यूटिलाइज करना एक अलग चीज होती है और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना एक अलग चीज होती है। क्लियर है। तो ये सब करने के बाद आपको पेपर देने जाना है, तो इसलिए प्रॉपर नोट्स, उनका रिविजन बच्चों, अब रिविजन सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट में, क्योंकि रिविजन अच्छा होगा तभी। तो इसलिए याद रखेगा
जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, हमेशा हमेशा की तैयारी के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी पेपर की, जब भी आप पढ़ रहे हैं ना तो आदमी पढ़ता ऐसे है, मतलब धीरे धीरे दायरा उसका बढ़ता रहता है, वो इधर से सोर्स से यहाँ से भी इकट्ठा करेगा, यहाँ से भी इकट्ठा करेगा, धीरे धीरे इतना। लेकिन बच्चों फैलना उतना ही, लास्ट टाइम पे अगर आप समेट नहीं पाए ना सब कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए एक लिमिट तक आप ग्रैस्प करिए, लेते जाइए, लेकिन लीजिए उतना ही, रिकॉर्ड उतना ही रखिए अपने पास जितने को आप रिविजन कर पाते हैं या जितने को आप वापस अपने पास समेट पाते हैं, क्लियर है ना, ताकि आप उसे रिवाइज कर पाएं। तो बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।